नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया ने जहां एक तरफ चैंपियन बनने का अपना सपना पूरा किया, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट में भूचाल मचा हुआ है। बाबर आजम की कप्तानी से लेकर खिलाड़ियों के बीच अंतर्कलह से लेकर सभी तरीके की खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच और पूरे पाकिस्तान कौम के बीच चर्चा का विषय बनी। ऐसे में मोहम्मद रिजवान का हाल ही में एक बयान में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि ठीक है, आप ईश्वर को माने, अल्लाह को माने या फिर गॉड को माने, किसी को भी माने, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप हर चीज में, हर बात में ये कहें कि भाई अल्लाह ने ही हमें सब कुछ कराया है, सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, अल्लाह चाहेंगे तो जिताएंगे, अल्लाह चाहेंगे तो हराएंगे, अल्लाह चाहेंगे तो कप्तान बनाया जाएगा, अल्लाह चाहेंगे तो बाकी सब कुछ होगा, इस तरीके के बयान जो है ना वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। रिजवान से पाकिस्तान की शर्मनाक हार को लेकर जब सवाल किया गया तो मोहम्मद रिजवान ने कहा कि मैं इस्लाम का ब्रांड एम्बेसडर हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। अब इसके बाद अब क्रिकेट के बीच में आप इस्लाम को घुसा रहे हैं तो ये थोड़ा सा चर्चा का विषय बनता है, जो खुद पाकिस्तान के ही पूर्व खिलाड़ियों ने उसकी आलोचना की है। जी हाँ, अहमद शहजाद जो पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी हैं, उन्होंने रिजवान के इस बयान को बेतुका करार दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भैया ठीक है, हर कोई भगवान अल्लाह सबको मानता है, लेकिन आप इस तरीके का बखान करेंगे, आप क्रिकेट पे बात कीजिए, आपकी टीम ने क्या क्रिकेट खेली है, आपने कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है पिछले 7 सालों में। तो कहीं ना कहीं बाबर आजम की कप्तानी, खिलाड़ियों के बीच अंतर्कलह की खबरों को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। मोहसिन नकवी साहब जो है, जो पीसीबी के चेयरमैन है, वो भी बड़ी सर्जरी की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसी कोई सर्जरी देखने को मिल नहीं रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। क्योंकि इन तमाम चीजों पर बात इसलिए होती है ना, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट की ना बड़ी एक रिच हिस्ट्री रही है। वसीम अकरम, वकार यूनिस, आमिर सोहेल, इसके अलावा सईद अनवर, इंजमामुल हक, ये इतने बड़े बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट से आए, इमरान खान, ऐसे ऐसे नाम आए हैं जिन्होंने दुनियाई क्रिकेट में अपने जो शानदार प्रदर्शन है सभी से दिल जीता। शोएब अख्तर की बात शायद उनकी गेंदबाजी कोई नहीं भूल सकता है। तो इस तरीके के बीच रिजवान का ये जो बयान है ना, ये सुर्खियों का विषय बना हुआ है। अब आपको क्या आगे करना है ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ही जानती है। फिलहाल एक कॉन्ट्रोवर्सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और बड़ी खड़ी हो गई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।